आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भाजपा नेता जमशेद खान के नेतृत्व में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। ज्वालापुर के पुल जटवाड़ा से लेकर इस तिरंगा यात्रा के साथ बाइक रैली का आयोजन किया, जो मुख्य मार्ग कटारा बाजार जमा मस्जिद अम्बेडकर चौक से होते हुए अहबाब नगर तक निकाली गई। सभी के हाथों में तिरंगा लिए हुए सैकड़ों की तादाद में पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार शामिल रहे। इससे पूर्व जमशेद खान ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के साथ हम नए भारत का निर्माण देख रहे हैं। आज हमारा देश तेजी से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे विश्वव्यापी अभियानों से भारत आज विश्व के में प्रमुख स्थान पर अपना स्थान बनाकर रख रहा है और आगे भी इसी स्थान पर रहेगा। विश्व के सभी राष्ट्र आज भारत की बात को पहले मानते हैं, पहले सुनते हैं। वरिष्ठ समाजसेवी नसीम सलमानी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम अपने देश की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में एक चुनौती बनकर उभर रही है। इद्रिस मंसूरी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को देश के प्रत्येक नागरिक को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस अवसर पर स्थानीय पूर्व राज्य मंत्री नईम कुरैशी, पार्षद इसरार सलमानी, पप्पन कुरैशी, अख्तर अंसारी आजम आदि लोग उपस्थित रहे। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार।